स्वागत करते हैं हमारे इंजीनियरिंग चैनल मोनो यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ, एक्यू पटना से एक नोटिस आया था जिसमें कि कॉन्विकेशन के बारे में बताया गया था, यानी कि दीक्षांत समारोह के बारे में बताया गया था। तो वही मैं आज बताने वाला हूँ कि दीक्षांत समारोह क्या होता है। दीक्षांत समारोह का मतलब होता है जब आपको शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो उसका जब अंत होता है, यानी कि उस साल का अंत होता है, तो उसमें जो समारोह किया जाता है उसी को हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। यानी कहने का मतलब, एक क्लास की जो पढ़ाई हो जाती है पूरी हो जाती है, यानी 4 साल का हम लोग का बीटेक होता है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद उसमें ऑनरेरी सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी को हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। दीक्षांत समारोह किसी शैक्षणिक और वार्षिक संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह होता है जिसमें कि प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बता देता हूँ कि दीक्षांत समारोह में जो टॉपर्स होते हैं उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है, साथ में जो भाग लेते हैं उनको मंच पर बुलाकर ओरिजिनल डिग्री दी जाती है और अब उनको सम्मानित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को भी इस समारोह में शामिल होना चाहिए। दीक्षांत समारोह के लिए हम लोग को करना क्या होगा सबसे पहले? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दीक्षांत समारोह में को माने हम लोग को करना क्या होगा, यूनिवर्सिटी के जो नोटिस में अकाउंट दिया हुआ है माने एक्यू का अकाउंट पर 500 रुपया भेजना होगा और उस स्लिप को लेकर कॉलेज में 300 रुपया लगा कर जमा कर देना होगा। यानी कुल खर्च 800 रुपया पड़ेगा, तो कॉलेज वाले हम लोग को शामिल कर लेंगे। यही था इन्फॉर्मेशन, हमको जितना नॉलेज से बना मैं उतना आपको साथ शेयर किए। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।